वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, किसी को प्रमोट या डिमोट करने के लिए नहीं है। मुझे लगता है आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हैं, जैसे मैं लास्ट मंथ था कि टायर अपसाइजिंग करूँ या ना करूँ, अपसाइजिंग क्या होता है, और टायर बड़ा करूँ या रिम बड़ा करूँ, अलॉय व्हील लूँ या नहीं, फिटमेंट के बारे में क्या होता है, PCD क्या होता है। तो इतने हाई फंडे वर्ड्स में मैं नहीं जाऊंगा। जो भी है मैं आपको एकदम बेसिकली क्लियर कट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, क्या होता है, कैसे होता है, आपको मायापुरी से अलॉय व्हील टायर लेना चाहिए या नहीं, और मेरा फिटिंग कैसा रहा, फिटिंग का रिजल्ट कैसा रहा, और फाइनल कंक्लूजन मेरा क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर आप भी भटक रहे हैं, क्योंकि लास्ट मंथ मैं भी बहुत कंफ्यूज था क्या करूँ नहीं करूँ, ऐसा वैसा कुछ लोगों का नेगेटिव रिव्यूज़ था मायापुर का, कुछ लोगों का पॉजिटिव था, तो बहुत तरह के थे। तो बस एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा हर चीज़ का, और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। भाई लोग, मैं एक्चुअली दुबई में जॉब करता हूँ, रांची से बिलोंग करता हूँ, और लास्ट मंथ मुझे जाना था, लेकिन मैं एक दिन का काम था उस ऑफिस से, तो मायापुरी के बहुत सारे वीडियोस देख रखे थे मैंने, तो मैं सोचा एक विजिट करूँगा और जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बाद में आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आपको पहले होमवर्क क्या करना है, अगर आप कन्फ्यूज़ हो कौन सा टायर लूँ, कौन सा अलॉय व्हील लूँ, तो सबसे पहले आप ये स्क्रीन पर देखिए। मैं इस तरह से पिक्चर मंगाया था अपने घर से, तो इसमें आप देखोगे कि आपको अपने टायर का गैप्स पहले जो है ना वो मेज़र करना है कि कितना गैप आपको बच रहा है, ठीक है, आगे कितनी इंच है, पीछे कितनी इंच है, ऊपर ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, सारे आपको इंचेस में कैलकुलेट करना है। ये होमवर्क आपको सबसे पहले करना है, और इसके बाद आपको बेसिक आइडियाज़ मिल जाएगा कि आपके आगे फेंडर्स में कितने के गैप है, 2 इंच 3 इंच का गैप है, ऊपर कितना है, साइड कितना है, ये आपको सबसे पहले होमवर्क कर लेना है। आप अगर सीधा पहुंच जाओगे मायापुरी और बोलोगे मुझे ऐसे चेंज करना है, ऐसे अलॉय व्हील, वो आपको बेवकूफ बना देंगे। ये बात आप लिख के रख लो, वो समझ जाएंगे इसको ज़्यादा आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप अगर थोड़ा होमवर्क करके जाओगे तो आपके लिए बेटर है, आप अपने पैसे बचा लोगे। मायापुरी एक माया जाल है जहाँ पे अच्छी चीज़ें भी है, अच्छी है बुरी है सब तरह, वो कस्टमर को देख करके उस हिसाब से वो ट्रीट करते हैं और उस हिसाब से वो अपना बिजनेस करते हैं। वो एक बिजनेसमैन है, उनको सही या गलत मैं नहीं कह सकता। तो आपको अपना नॉलेज रखना है बराबर और तब जाना है। तो ये होमवर्क आप सबसे पहले करें। आप देख लो कि आपका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है और कितने इंचेस आगे गैप है, कितने इंचेस पीछे है, कितना इंचेस ऊपर है, सारे आप अपने से देख लो। फिर आप देखो ये जो अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वेबसाइट, ये आप एकदम ध्यान से देखो जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये एक वेबसाइट है tiresize.com, ये लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये वेबसाइट खुलेगा। इसमें आपको क्या करना है, अपना बेसिकली अपना प्रेजेंट टायर साइज डालना है। प्रेजेंट टायर साइज आप अपने टायर को देखोगे ना तो ये साइज में पट्टी में लिखा रहता है, तो ये आपको अपना डालना है प्रेजेंट टायर साइज। और उसके बाद आपने जो टायर सोच रखा है, या आपको प्रैक्टिकली देखना है कि मैं कौन सा टायर लूँ नहीं लूँ, कितना ग्राउंड क्लियरेंस में मुझे बढ़ाना है, ये सब जो भी आपके आइडियाज़ हैं, आप यहाँ पर वो दूसरा नया टायर का साइज डालो और उसके बाद आप कैलकुलेट करो। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे एक्चुअली में ये डिफरेंस कितना आता है, तो आपको समझ में आएगा कि इसका डायमीटर कितना बढ़ रहा है, साइज कितना बढ़ रहा है, और इससे आपका स्पीडोमीटर एरर भी होगा। तो आपको यहाँ पर दिखेगा आपके जो टायर प्रेजेंट है और जो आप लगाने जा रहे हो उसमें कितना डिफरेंस आएगा। अगर आपका 60 उसमें आ रहा है टेकोमीटर में आपके डिस्प्ले में, तो वो एक्चुअली रहेगा 66.7। अब ये जो सेकेंड वेबसाइट है ये देखिए, thetireworld.in, इसमें ये भी बहुत अच्छा वेबसाइट है। इसमें आप जब डालोगे अपने प्रेजेंट साइज टायर के, तो आपका ओवरऑल डायमीटर निकलेगा 21.54, ये मेरा निकला था, आपका जो भी निकलेगा आप इसको लिख लो। इसके बाद प्रेजेंट टायर साइज जो आप सोच रखे हो वो आप इसमें डालो, और डाल करके देखो इसमें, देखो मुझे मेरा जो प्रैक्टिकली बढ़ रहा था वो प्रेजेंट टायर 21.54 डायमीटर से 23.88 हो रहा था, तो वो एक्चुअली मेरे लिमिट में था। अभी आप देखो मेरा जो डिस्प्ले में आप देख रहे हो, ये मेरा गैप्स जो था वो गैप मेरे पास सफिशियंट था। आपको यही मैच करना है कि आपके आगे कितने गैप थे इंचेस में, और पीछे कितने थे, और ऊपर कितना था, यही मैं आपको स्टार्ट में बोला था, ये आपको गैप मेज़र कर लेना है। तो जो ओवरऑल जो डायमीटर आ रही है उससे आपको मैच करना है कि ये उसमें फिट हो रहा है या नहीं। सपोज़ आपका 2 इंच अगर आगे बढ़ता है
दो इंच की डायमीटर, तो वो आप देख लोगे कि हाँ मेरा उधर जो सफिशियंट गैप है वो 3 इंच का है, तो 2 इंच मेरा 1 इंच आगे, 1 इंच पीछे, 1 इंच नीचे, तीनों में वो फिट हो जाएगा और वो सफिशियंट है। मतलब आपकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ जाएगी और जब आप टर्न करोगे तो उसमें टच नहीं होगा। इसके बाद ये जो तीसरा है वो स्पीडो एरर है, tiresizecalculator.com। इसमें आप डालोगे अपना प्रेजेंट टायर साइज, ये मैंने अपना डाला और जो मैं सोचा था जो टायर लूँगा उसका डाला, तो इसमें देखिए एरर कितना आता है। वो एक्चुअली आपको एक चार्ट मिल जाएगा यहाँ पर कि कितना एरर आएगा। जैसे 100 है, अगर आपको टेकोमीटर में दिख रहा है तो 111 का स्पीड है, तो इससे बस आपको स्पीड कैलकुलेशन मिलेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ ये जो मैं आपको बताया। मेरा एक्चुअली 13 इंच का रिम साइज था और 155/70 का प्रोफाइल था। तो अभी आप जैसे देखो द टायर वर्ल्ड डॉट इन, इस पर मैं आपको समझाता हूँ। मेरा प्रेजेंट साइज था 155/70/13, तो ये कैलकुलेट होकर के ओवरऑल टायर डायमीटर आ रहा था 21.54 इंचेस, ठीक है। और मैंने सोच रखा था मैं 15 इंच का एलॉय डालूंगा, तो और मैंने टायर प्रोफाइल सोच रखा था 205/55। आप यहाँ पे चेंज करके भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, तो मैं जस्ट अपना एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। तो मेरे प्रेजेंट प्रोफाइल 155/70/13 में डायमीटर निकल रहा 21.54 और जो मैंने सोचा था उसमें था 205/55/15 इंचेस, वो डायमीटर निकल रहा था 23.88। अभी आप इस चीज़ को ध्यान से समझो, इसको जब आप माइनस करोगे तो ये डिफरेंस निकलता है ऑलमोस्ट 2.34 इंचेस का, 2.34 इंचेस का। अभी आप ये पिक्चर देखो, इसमें आपको समझ में आएगा। मेरा जो मैंने जो कैलकुलेशन मंगाया था घर से, तो उसमें कैलकुलेशन था मेरे फ्रंट में फेंडर्स के और टायर के बीच का जो गैप था 2 इंच का था, और ऊपर में ऑलमोस्ट 4 इंच का गैप था और पीछे उधर भी 2 इंच का गैप था। तो मेरे पास टोटल क्लियरेंस जो थे वो आगे और पीछे मिला के 4 इंच के हो रहे थे, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझो, आगे और पीछे मिला करके 4 इंच का क्लियरेंस था। और मैं जो ये प्रोफाइल सेलेक्ट किया था इसमें मुझे मिल रहा था 2.34 इंचेस का, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 1.2 के आसपास आता है। तो अभी 1.2 इक्वली डिवाइड हो रहा है, 1.2 ये पीछे की तरफ भी आपका स्पेस ले रहा था, आगे भी स्पेस ले रहा था, और 1.2 ऊपर भी ले रहा था, 1.2 नीचे भी ले रहा था। तो जो नीचे जा रहा है वो तो आपका ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, वो आपको प्लस पॉइंट हो गया। और जो साइड से हो रहे थे ये देखना बहुत ज़रूरी है, साइड और अपर साइड में आपको उतना ही क्लियरेंस लेना है जितना आपका गाड़ी टायर और फेंडर के बीच में मार्जिन है। ऐसा मत ले लो आप कि जब आप टर्न करो स्टेयरिंग तो वो आपके बॉडी में टच हो, कंप्लीट टर्न नहीं हो। ऐसा यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब लोग बहुत सा बड़ा साइज या अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, तो यही बस एक डिसएडवांटेज है जो आपको बाद में फेस करना पड़ता है टर्निंग। तो आपको इतना ही गैप लेना है जो आपको सूट कर रहा है, तो यही चीज़ आपको बस ध्यान से देखना है कि ये गैप कितना है और कितना में आप परफेक्टली फिट कर सकते हो, उतना ही आपको बढ़ाना है जितना आपकी गाड़ी में फिट हो, नहीं तो फिर बाद में आपको मॉडिफिकेशन करना होगा, ये फेंडर काट के सेट करना होगा, ये सब लॉन्ग स्टोरी है। तो इसलिए ये वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, इसको आप यूज़ करो। मैं भी यहीं से पूरा इन्फॉर्मेशन लिया और किया और मेरा परफेक्ट हुआ, thetireworld.in। ओके, और सेकेंड टॉपिक जो मैं बोला था वो है फिटमेंट, PCD। तो देखिए ये सब हाई फंडे वर्ड्स, ये सब में मत जाइए, ये सब में टाइम बर्बाद करना बेकार है। आप सिंपली देखो आपके रिम में कितने होल्स हैं, बस इतना ही आपको देखना है। आप काउंट कर लो, 4 होल्स है, मेरा रिम में 4 होल्स था, तो वो आपको नोट रखना है 4 होल्स। और आप अपनी गाड़ी का मॉडल गूगल में डालो और PCD डालो, आपकी गाड़ी का PCD निकल जाएगा। मेरा 100 था, तो आपको ये चीज़ें नोट रखनी है, 100 PCD, 4 होल्स आपको अपने मॉडल का रखना है। ये मेरा था, तो ये आपको लिख करके रखना है या माइंड में रखना है। जब आप जाओगे लेने के लिए तो आपको ये चीज़ कॉन्फिडेंटली बोलना होगा कि 100 PCD, 4 होल्स या जो आपका है, ये बहुत ज़रूरी है। ये वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो जब समझ जाएंगे कि इसको कुछ नहीं पता है, वो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो ये चीज़ आपको होमवर्क पहले से करके रखना है। अभी नेक्स्ट, अब मैं आपको शेयर करता हूँ मेरा मायापुरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जब मेरा काम हो गया था, ऑफिशियल वर्क हो गया था, तो मैं बोला चलो चलता हूँ मायापुरी। मायापुरी गया, मेरा फर्स्ट प्लान था पूरा एरिया देखना कैसा है क्या है, कुछ ऐसा मैं फाइनल प्लान से नहीं गया था कि मुझे एलॉय व्हील लेना ही है या टायर लेना ही है, मैं जस्ट देखने गया था। लेकिन आप लोग सच में बिलीव करो, मायापुरी एक माया जाल है। आप जाओगे अगर तो आप लेके ही आओगे, इतने सारे शॉप्स हैं, इतना सब कुछ है, पूरा फैला हुआ है, बड़ा मार्केट है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मैं गया और जब देखने लगा तो एक चीज़ मैं नोटिस किया,
सारे जितने बड़े बड़े वीडियोस बने हैं, एक वीडियोस पे जितने सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखा है, तो आप ये ध्यान से समझो, ये पूरा बिजनेस चल रहा है वहाँ। ये जो बोलते हैं ना 5,000 में मिल जाएगा, 7,000, 8,000, कुछ भी वहाँ ऐसा नहीं है। आप जाओगे, मैं भी गया, तो ये उनकी गलती नहीं है, ये उनका बिजनेस पॉलिसी है, वो क्राउड लाने के लिए होता है। जब मैं गया तो वहाँ पर पता चलता है, वो दुकानदार शेयर करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है सर, 5,000 में क्या मिलता है, 10,000 में क्या मिलता है। तो मुझे 15 इंच का एलॉय का वो स्टार्ट किए थे 25,000 से। तो मैं उनको बोला कि ऑनलाइन अगर मैं ले लूँ अमेज़न वगैरह पे तो 30,000 में मिल रहा है, तो मैं 25,000 यहाँ सेकंड हैंड क्यों देखूंगा, मैं तो जस्ट घूमने आया हूँ। तो उनका कहना था नहीं नहीं सर, थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे। करते 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 वो 20 में फाइनल किए, लेकिन उनका शर्त यही था कि एलॉय व्हील नहीं देंगे, टायर भी आपको साथ में लेना होगा। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप कितना भी नॉलेज गेन कर लो कि गुट्टी कट टायर कैसी होती है, मुझे गुट्टी कट नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, वो जो कहावत होती है ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना है, आप कितना भी नॉलेज कर लो कुछ काम नहीं आता है। वो इतने प्रोफेशनल वे में उनकी टायर्स होती है ना कि आपको लगेगा ब्रांड न्यू। आप ये स्क्रीन पर देखिए, ये जो टायर्स ये मैं सेलेक्ट किया कम से कम 100 टायर देख करके, फिर भी आप समझ नहीं पाओगे ये गुट्टी कट है या नहीं है या कैसा है क्या है, क्योंकि वहाँ इतने टायर्स हैं और इतने अच्छे से प्रोफेशनली वो होते हैं कि आपको समझ नहीं आएगा। मुझे तो यही लगा था कि मैंने एकदम ब्रांड न्यू टायर ले लिया, ब्रांड न्यू एलॉय व्हील ले लिया, मैं बहुत खुश था। और उसके बाद अब मैं सोचने लगा हेडेक कि इसको ले कैसे जाऊँ, तो रांची भी निकलना है, तो मैं पैक करवाया वहाँ से और ट्रांसपोर्ट में डाल करके रांची लेके चला गया। और एक चीज़, वो जो आप वीडियोज़ देखते हो ना यूट्यूब पे, मैं भी वैसे ही वीडियोज़ देख करके गया था, तो उन वीडियोज़ में जो कॉन्टैक्ट नंबर वो लोग डालते हैं ना कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल कीजिए, ये वो एक्चुअली एक बिजनेस चल रहा है। आप जब उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करोगे ना, तो वो कोई और ही उठाएगा, वो बोलेगा भैया मैं दुकान से बाहर आ गया हूँ और मैं अभी जस्ट भैया को कॉल कर रहा हूँ। वो सब बिजनेस चल रहा है, वो यूट्यूबर्स हैं या क्या है मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, चलो रोजी रोटी के लिए लोग कुछ भी करते हैं, मुझे कुछ उनके लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। आप जब उस नंबर पर कॉल करोगे तो वो बोलेंगे भैया मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ दुकान पर, आधे घंटे में आ रहा हूँ, मेरा भाई है दुकान पर, उसको मैं अभी कॉल कर दे रहा हूँ, वो आपको दिखा देगा। तो ये जो भाई गिरी है ना, ये कमीशन गिरी है, वो उसको कॉल करेगा, आप जब दुकान बोले आइए सर आइए भैया का कॉल आया था, वो आपका कमीशन ऐड हो चुका है, वो घर बैठे कमीशन अपना बना रहे हैं और कुछ नहीं है, और आपका पॉकेट थोड़ा और भारी कर रहे हैं। तो आप कुछ ऐसा शेयर मत कीजिए, आप कैसे आए हो क्या आए हो, अगर आप जा रहे हो मायापुरी डायरेक्टली जाइए, डायरेक्टली विजिट कीजिए, बहुत सारे शॉप हैं, देखिए पसंद कीजिए, नॉलेज के साथ जाइए। मेरा कहने का मतलब है जो मैं आपको बता रहा था, होमवर्क के साथ जाइए। आप कितना PCD है, कौन सा टायर लेना है, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। 15 इंच, 16 इंच, 17 इंच, 20 इंच, जो भी आप अपग्रेड करना चाह रहे हो, प्लस साइजिंग करना चाह रहे हो, उस सब आपको होमवर्क करके जाना है। जो मैं 2 वेबसाइट बताया इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वो आप देख करके जाओ और जा करके वहाँ कॉन्फिडेंटली बोलो भैया मेरे को 15 इंच का देना, 100 PCD बला 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 जो भी है, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ नहीं करना है। वो जब आपको बोलेगा भैया ये ले लो ना, ये फिट हो जाएगा, वो ले लो, कुछ नहीं करना है। एक चीज़ आप समझ लो, वहाँ पे कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं होता है, उनकी आपस में बहुत यूनिटी है। जो चीज़ का आपने पेमेंट कर दिया, आपकी गाड़ी में रख दिए या लगा दिए, वो रिटर्न नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आपको ये सब होमवर्क करके जाना है और किसी को कॉल वॉल नहीं करना है, आप डायरेक्टली जाओ, कॉन्फिडेंटली लो, अगर आपको लेना ही है और लेकर के आप जाओ, बस फिट कराओ। कि वहाँ पे कोई भी टायर में ना मैन्युफैक्चर डेट नहीं होता है, उस समय लोग मिटा चुके होते हैं सब कुछ। तो मुझे ये टायर बहुत अच्छे लगे, जितना एक्सपीरियंस मैंने सीखा था कि कैसे टायर चेक होता है, ये होता है, मैंने अपने सारा एक्सपीरियंस यूज़ कर लिया और ये 4 टायर सेलेक्ट किया, और फाइनली ट्रांसपोर्ट से मेरा टायर आ गया रांची और मैं उसको सेट कर रहा था। तो ये देखिए ये आगे का टायर कैसा दिखा है, कितना ढांसू लुक आ रहा है, मस्त। ये पीछे का देखिए, ये बच्चा जैसा लग रहा है एकदम, छोटा सा। गैप्स मेरे अच्छे थे इसीलिए परफेक्टली सूट हो रहा था, और 13 इंच टू 15 इंच में किया था। ये कितना ब्यूटीफुल लुक दे रहा है, लुक तो बहुत अच्छा इनहांस हो जाता है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखिए 4 टायर लगने के बाद इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, थोड़ा हल्का ऑफसेट था, बहुत प्यारा लग रहा था, ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गई थी, और जो कि 13 से 15 किया था मैं, लेकिन लुक बहुत इनहांस हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल लुक, लुक बहुत अच्छी लग रही थी लगने के बाद। मैं खुद से सेट किया था और बार बार देख रहा था, बहुत अच्छा अपने अंदर लग रहा था, बहुत खुशी मिल रही थी, कितना अच्छा लुक लग रहा है। और ये चारों देखिए, ये चारों कैसे बच्चे जैसे लग रहे हैं इसके सामने, ये कितना प्यारा लग रहा था, मतलब मुझे जो चाहिए था वो मिला वहाँ मायापुरी में। तो बहुत बड़ा मार्केट है, हर चीज़ जो आप पहले से सोच के जाओगे मिलता है, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, मुझे बार बार देखते देखते खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, इतना अच्छा मुझे लग रहा था। फिटिंग के बाद मैं फिर व्हील अलाइनमेंट करवाने के लिए गया ताकि प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली चला सकूं। तो वहाँ पर जाने के बाद मैं उसको बोला मेरा टर्निंग रेडियस वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक करने के लिए। तो जैसा मैं आपको पहले बताया था होमवर्क कितनी ज़रूरी है, तो मेरा सब कुछ परफेक्टली फिट था,
टर्निंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्पीड पिकअप कहीं कोई इशूज नहीं थे, उल्टा मुझे पिकअप ज़्यादा मिल रहा था। जो चेक करने वाले थे वो मेरे नोन थे, हमेशा जो टायर्स का प्रॉब्लम ये वो सब वो देखते थे, वो बोल रहे थे बहुत अच्छा सेट हुआ है, लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये सब आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग कॉन्फिडेंटली आप साइजिंग वगैरह करवा सकते हो, क्या क्या इशूज होता है। आप देखो ग्राउंड क्लियरेंस क्लियर रहना चाहिए, आपका फेंडर का गैप वगैरह सब कुछ आप पहले से होमवर्क करके जाओगे तो बेटर रहेगा। ये परफेक्ट फिट होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको अब बताता हूँ। हुआ क्या, मेरे ये टायर वाले बताए कि ये जो आपका एलॉय व्हील है वो ओके है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेरा टायर्स था ना चारों टायर, वो चारों गुट्टी कट था, चारों टायर कट थे। वो मुझे बाकायदा पूरे क्लोथ से दिखाया सब कुछ, वो बोला आप लोग कभी नहीं पकड़ पाओगे, कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, इवन टायर शॉप वाले लोग भी वहाँ धोखा खा जाएंगे ऐसे जगहों पे। वो चारों टायर मेरी गुट्टी कट थी। तब मुझे याद आया कि मायापुरी में जो मुझे सेल कर रहे थे उनका शर्त यही था कि सर हम लोग 25,000 से कम में तो नहीं देते हैं, लेकिन आपको 20 में देंगे, आपको चारों टायर भी लेना होगा। वो मुझे सिर्फ एलॉय देने के लिए रेडी नहीं थे। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है कि आप लोग अगर जाओ तो उस हिसाब से जाओ। देखिए मुझे एलॉय अच्छा मिला, नो डाउट, मैंने बहुत खोज वोज के लिया, मुझे एलॉय अच्छी मिली, लेकिन मेरा चारों टायर गुट्टी कट था। और बाद में मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हुई मैं आपको बताता हूँ। मेरा आगे का एक टायर अपने आप थोड़ा थोड़ा बैठ जाता है, हवा निकल जाता है, और ऐसा मैंने रिव्यूज़ में भी देखा था, बहुत सारे वीडियोज़ में भी लोग शेयर किए थे इस चीज़ को। तो जो है सो है, एलॉय व्हील अच्छा मिला तो मिला, लेकिन टायर्स पूरे गुट्टी कट थे। तो इन टायरों पर आप ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली नहीं चला सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, आप फैमिली के साथ चल रहे हो 80-90-100 ये तो एवरेज स्पीड है, आप चलाओगे कहीं पे भी वो ब्लास्ट कर सकता है, कुछ हादसा हो सकता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप लोग ऐसे जगहों पे लेने जा रहे हो, मेरा तो प्लान था नहीं, मेरा प्लान था कि मैं अमेजोन से ले लूँगा या ऑनलाइन किसी एलॉय साइट से ले लूँगा, लेकिन वहाँ मैं गया वो मायापुरी में, वो माया जाल में मैं फंस गया और ले लिया। तो ले लिया तो अभी मैं कुछ दिन चलाऊँगा ये एलॉय व्हील, और उसके बाद फिर इसको हटा करके मैं नया ही लगाऊंगा। लेकिन टायर आप लोग मत लीजिए मायापुरी से, कोशिश कीजिए सिर्फ एलॉय व्हील अगर लेना है तो वही लीजिए, टायर मत लीजिए। क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये देखिए मैं अमेज़न पे आपको दिखाता हूँ सेम एलॉय व्हील कितने रेट में मिलता है। ये देखिए एलॉय व्हील से यहाँ पर लगभग 8,000 से स्टार्ट होता है पर पीस, तो 8,432,000 में तो न्यू एलॉय व्हील्स जिसको आप कॉन्फिडेंटली चला सकते हैं वो मिल रहा है। आप एलॉय व्हील वहाँ से लिया, आपको पता नहीं एक्सीडेंटल कार की है, फिर से रिपेयर्ड है या नहीं। ये देखिए जो मॉडल मैं वहाँ पे लिया वो मॉडल यहाँ पर मिल रहा है 8,800 पर पीस, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो चारों टायर यूजलेस है मेरे लिए। तो जो एलॉय व्हील पे मैं बैट किया 20,000 में, वो ऑनलाइन 30-32,000 इसके आसपास में मिल जाती है डिस्काउंट पे। सो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, और जितना मेरा टोटल अभी तक का एक्सपीरियंस था वो शेयर किया हो, आगे भी शेयर करूँगा कैसा एक्सपीरियंस है, और भी बहुत कुछ मैंने कार के लिए खरीदे हैं उनका भी एक एक करके रिव्यू करूँगा। तो बस आपको अगर सही लगता है तो आप जाओ, मतलब सेकेंड हैंड अगर आपकी कार है, पुरानी कार है, कुछ दिन बाद कार चेंज करना है, ऐसे सिचुएशन में आप जाके ले सकते हो मायापुरी से, लीजिए सोच समझ के अच्छे से वेरीफाई करके लीजिए, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए अमेज़न वगैरह पे जो चीज़ 30,000-32,000 में मिल रहा है वो वहाँ पे 20,000 में मिल रहा है। 10,000 के लिए सेफ्टी कंसर्न कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, ऑनलाइन ही लीजिए। मैं भी चेंज कर रहा हूँ बहुत जल्द, टायर्स चेंज कर रहा हूँ इस बार ही घर पहुँचते ही, और एलॉय व्हील भी चेंज करूँगा कुछ, मैंने अपने लिए शॉर्टलिस्ट किया है अमेज़न पे, मुझे पसंद आई है, अच्छा रेट भी अच्छा है। मैं उनका लिंक्स ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप लोग भी देखिए पसंद आए तो लीजिए, रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। उससे क्या होता है आप पीसफुली गाड़ी चला सकते हैं, फैमिली के साथ दोस्तों के साथ आप स्पीड चला सकते हैं, हाईवे पे अच्छे से चला सकते हैं, बेफिक्र होकर चला सकते हैं। सेकेंड हैंड चीज़ में आपको पता नहीं है हिस्ट्री कैसा है, एक्सीडेंटियल है, रीमेक है, कैसे है, वो पेंट पॉलिश करके तो नहीं दे रहे हैं, किसी जर्क में टूट ना जाए एलॉय व्हील, गाड़ी भी पलट सकती है, बहुत कुछ है, सेफ्टी कंसर्न है। जैसे वो लोग वीडियो में दिखाते हैं 5,000-7,000 ऐसा तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। तो बस यही है, सोच समझ करके लीजिए, जो भी आपको सही लगे अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हर आदमी का अपना अपना सिचुएशन होता है, लेकिन मैं तो चेंज कर रहा हूँ, अमेज़न पर शॉर्टलिस्ट किया हूँ और लेने वाला हूँ। और बस फिलहाल के लिए इतना ही, अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी चीज़ें बताई वो सच है तो आप यस लिखिए कॉमेंट सेक्शन में, और अगर आपको लगता है नहीं मैं मिसगाइड कर रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ तो आप नो लिखिए के कमेंट सेक्शन में, और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ये मेरा सेकेंडरी चैनल है, मैं ऑप्शो में जॉब करता हूं, तो मेरा मरीन चैनल अलग है, और इसको मैं अपने वीकली बेसिस पे कुछ कुछ अपलोड करते रहूंगा, कुछ अपना शेयर करते रहूंगा आइडियाज़ वगैरह, जिससे किसी को अच्छा हो सके। उसके लिए बेसिकली अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, किसी के साथ आपको लगता है ये शेयर करने पर यूज़फुल होगा तो शेयर कीजिए, उनको बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के भी जितने अपडेट्स मैं दूँ आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी। Oh,